हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज संडे है, इंजॉय करो संडे को। मैं भी इंजॉय करूंगा, इसलिए बैक टू बैक तीनों वीडियोस अभी शूट कर लूंगा जो कि आज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द स्ट्रेंजर हाउस, जो कि एक जर्मन हॉरर मूवी है। ओवर लेंथ 1 आवर 30 मिनट्स की, और ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी विद मल्टीपल सब टाइटल्स। भाई ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। खैर, मूवी की कहानी फोकस करती है सबीना और उनके दो बेटे हेनरिक एडी पर, जो कि अपने सिटी का घर छोड़कर एक रिमोट विलेज में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इस विलेज के लोग इनको बताते हैं कि ये घर जिसमें ये लोग रह रहे वो हॉन्टेड है। तो अब ये हॉन्टेड क्यों है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो स्ट्रेंजर थिंग्स तो आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो भाई जाके देखो, लेकिन उसकी वाइब्स आपको इस पूरी मूवी में नजर आएगी। हालांकि ये मूवी ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है स्ट्रेंजर थिंग्स से, और उसके कोई कंपैरिजन भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आती है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी वो टीनेजर्स बच्चे हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, और वो आपका कंटिन्यूस इंटरेस्ट बनाए रखेंगे इस पूरी मूवी के दौरान। मूवी की सिनेमेटोग्राफी ऑसम है, जो एक एटमोसफियर उन लोगों ने क्रिएट किया, चाहे वो हॉन्टेड बंगलो हो, चाहे उसके घर के सामने वाले सिनेमेट्री हो, या विलेज के लोग हो, यानी कि हर एक चीज़ को यहाँ पर एकदम परफेक्ट वे में प्रेजेंट किया, जिससे आपको फील आता है कि हाँ हम लोग को एक सस्पेंसफुल मिस्ट्री हॉरर मूवी देख रहे हैं। और मूवी का BGM बहुत अच्छा है, एक अलग वाली फीलिंग देता है, और मुझे पर्सनली इसका BGM अच्छा लगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। ये कुछ बातें हैं जिस वजह से आप ये मूवी को देखते हो। खैर, ये मूवी सिर्फ टीनेजर्स को नज़र में रख के बनाई गई है, और उन फैमिली ऑडियंस को बनाई गई है नज़र में रख के जो हॉरर मूवी भी देखना चाहते हैं, जो डार्क मूवी भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी भी डार्क और इतनी भी हॉरर ना हो। मतलब कह सकते हो कि एक फैमिली फ्रेंडली हॉरर मूवी है, जिसमें आपको गोस्ट भी देखने को मिलेंगे, सस्पेंस भी, मिस्ट्री भी, और अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलेगा। तो यार मैं इतना कह सकता हूँ कि यार ये मूवी एक वॉचेबल है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना पेरेंटल गाइडेंस के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, ये आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। एक किसिंग सीन है, एक वो भी आप स्किप कर सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखो अपना।